हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम कंप्यूटर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज ये हमारी कंप्यूटर पर तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने अपनी सबसे पहली क्लास में कंप्यूटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था कि कंप्यूटर के जो मूलभूत कार्य होते हैं वो कितने स्टेप में होते हैं। हमने देखा था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, चार स्टेप बाय स्टेप, इन चार भागों में के माध्यम से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। तो हमने अपनी पहली क्लास में कंप्यूटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम की क्या परिभाषा होती है। हमने देखा था कि हार्डवेयर क्या होते हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वे हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हार्डवेयर का आपस में सामंजस्य बिठाते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं जो हम चाहते हैं निर्देशों के माध्यम से। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या होते हैं, निर्देशों के समूह प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हमने ये देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि कंप्यूटर के जो मुख्य घटक होते हैं, हमने उनका एक ओवरव्यू देखा था। हमने देखा था कि कंप्यूटर के घटक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक घटक, एक होता है बाह्य घटक, इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमने जो चर्चा की थी, अगली चर्चा वो हमने की थी आपका कंप्यूटर का मेन मुख्य घटक कौन सा होता है, तो वो होता है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड को हमने बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ा था हमने। ठीक है, मदरबोर्ड में हमने क्या देखा था कि मदरबोर्ड के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में हमने उसके अंतर्गत सीपीयू देखा था, रैम देखा था, रोम देखा था, चिपसेट के बारे में हमने पढ़ा था। सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था दोस्तों। इसके बाद में हमने ये देखा था कि जो आपकी जैसे जो आंतरिक घटक और बाह्य घटक होते हैं, जो आपके बाह्य घटक हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ये आपके मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। किसके माध्यम से जुड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोर्ट्स, PORT, पोर्ट। ठीक है, यहां तक हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। और ये भी देखा था कि जो आपका मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड को और किन नामों से जानते हैं, तो हमने देखा था वहां पास क्या PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, मेन सर्किट बोर्ड बोलते हैं, या बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। उसी तरह से सीपीयू के अन्य क्या नाम होते हैं, तो हमने देखा था कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, और कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक चर्चा की थी। आज हम अपनी तीसरी क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास। इतिहास में, इतिहास का मतलब क्या कि जो कंप्यूटर का विकास हुआ है वो किस तरह से, किस क्रम में हुआ है। तो बेसिकली क्या, कंप्यूटर का विकास क्रम इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मजे के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, और क्या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कहने का अर्थात कंप्यूटर का विकास क्रम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, दूसरा वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन जितने व्यू आते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को बार बार अलग अलग बुक से, अलग अलग PDF से, अलग अलग MCQ सीरीज, बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस ना करना पड़े। सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए अपनी क्लास में लेकर के आ रहा हूं, टू द पॉइंट लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के आ रहा हूं। लेकिन दोस्तों आप लोग के लाइक उतने मजे से नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, मेरे को भी तो एनर्जी आना चाहिए ना, अंदर से पढ़ाने के लिए उत्साह आना चाहिए ना, मेरे को भी लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट्स बहुत बच्चों तक पहुँच रहा है, बच्चे लाइक कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यार कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं तो वैसे तो बहुत सारी होती हैं, गिनते जाएंगे। सर क्या बताएं सर, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, सर बहुत ही काम की चीज है हमारे तो। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना क्या है कि कंप्यूटर में जो विशेषताओं के संबंध में आपके प्रीवियस ईयर में जो जो विशेषताएं पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम एक कुछ 5-7 प्रकार की विशेषताएं उन पे हम फोकस करेंगे। तो इनका एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है, गति, स्पीड सबसे अधिक मायने ये रखती है। कंप्यूटर को हमने बनाया ही इसीलिए है कि वो स्पीड से हमारे लिए क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके। फिर क्या है, स्वचालन, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक। फिर तीसरा क्या है, शुद्धता, एक्यूरेसी। फिर क्या है,
विश्वसनीयता, अर्थात कितना कंप्यूटर हमारा कितना रिलायबल है। इसके बाद में पांचवें नंबर पे क्या आता है आपका, विविधता, कंप्यूटर की क्या वर्सेटिलिटी, अर्थात हमारा कंप्यूटर कितने तरह के अलग अलग काम कर सकता है। इसके बाद में क्या है, परिश्रमशीलता, अर्थात डेलिजेंस, क्या डेलिजेंस कि मतलब कंप्यूटर जो है वो लगातार लगातार काम कर सकता है, पर आदमी लगातार 4 घंटे किसी काम को करेगा, 5 घंटे किसी एक ही काम को कर सकता है, पर वो उसके बाद क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर एक ही तरह के काम को या अलग अलग काम को बिना रुके बिना थके घंटों तक कर सकता है दोस्तों। तो कंप्यूटर की ये विशेषताएं को हमने क्या लिया, एक ओवरव्यू लिया। अब आइए इसकी एक एक विशेषताओं पे डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि हमारे एग्जाम में यहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको बता दूं कि विशेषताओं से और विशेषकर कंप्यूटर के इतिहास से, अर्थात कंप्यूटर के विकास क्रम से, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन छपने वाला है। कहने का मतलब क्या कि आज की क्लास आपको आपके एग्जाम में एक नंबर की गारंटी दे रही है, लिख के रख लो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंप्यूटर की विशेषताओं का ओवरव्यू लिया, अब बात करते हैं एक एक करके क्या स्पीड। तो देखिए क्या बोल रहा है, गणना स्पीड का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर के गणना करने की तीव्र, कंप्यूटर जो गणना करता है वो कंप्यूटर की गति जो होती है गणना करने की वो क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को बहुत तेजी से कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों आज वर्तमान में आप जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, इसको यदि हम किसी एक कैटेगरी में रखें तो ये सब क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अर्थात आज वर्तमान में हम जिस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। तो आपसे यदि पूछ ले कि माइक्रो कंप्यूटर क्या, देखिएगा माइक्रो 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 कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या कि जो आज वर्तमान में हम जितने भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, टैबलेट, लैपटॉप, पॉम टॉप, आपका मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब उदाहरण है किसके, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। क्या, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ठीक है, इसके बाद में क्या आपका टैबलेट हो गया, तो ये सब क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और पूछ लेता है कि सर माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, तो दोस्तों यहां पास देखिएगा 10^-6, 10^-6, क्या 10^-6, क्या माइक्रो सेकेंड, क्या माइक्रो सेकेंड, ये 10^-6 माइक्रो सेकेंड, आपको मतलब पता है क्या है इसका मतलब, एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में, समझ रहे हैं आप लोग, 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में किसी भी कैलकुलेशन को कर सकता है। हमारे लिए तो एक घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है जब हम कुछ काम करने जाएं। कंप्यूटर 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी गणना को कर सकता है। जो आज हम आपका लैपटॉप यूज कर रहे हैं या जो भी डिवाइसेस जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, वो 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से समय में किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी गणना को करने में सक्षम है दोस्तों। तो ये क्या हो गए वर्तमान, आपसे पूछ ले कि वर्तमान में हम जिन कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभी आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, सर माइक्रो कंप्यूटर। और भविष्य में आने वाली पीढ़ी में, आज से कुछ एक साल बाद जिस पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नैनो कंप्यूटर, वो कहलाएंगे क्या, नैनो कंप्यूटर कहलाएंगे। आज हम यूज कर रहे हैं वर्तमान में, इनको कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं नैनो। वर्तमान में यूज कर रहे हैं माइक्रो, और भविष्य की पीढ़ी के कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, नैनो कंप्यूटर। और नैनो कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी दोस्तों, नैनो कंप्यूटर की स्पीड होगी 10^-9 नैनो सेकेंड, क्या होगी, नैनो सेकेंड। ये तो क्या कर रहा था माइक्रो कंप्यूटर, 1 सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से में काम कर रहा था। और भाई ये जो आपका भविष्य का कंप्यूटर होगा ना, ये 1 सेकेंड के कितना, 10 करोड़ों हिस्से में, 1 सेकंड के 10 करोड़ों हिस्से में ये क्या करेगा, कैलकुलेशन को, किसी भी कैलकुलेशन को क्या करेगा, उतनी स्पीड से करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर और ये हो गया आपका नैनो कंप्यूटर। इसके बाद में यहां पास और विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए कि सुपर कंप्यूटर,
मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अभी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने यहां समझा। अभी देखिए एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर के विशेष मुख्य रूप से कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे सर विशेष मुख्य रूप से कंप्यूटर के चार प्रकार होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को इन भागों में इतने प्रकार में बांटा गया है। वैसे बेसिकली तो क्या होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। लेकिन उसके बाद भी जो आप डिजिटल पढ़ रहे हो तो उसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो बात कर लेते हैं हम, बात यहाँ पास किसकी हो रही है, स्पीड की हो रही है। तो ये जो चार कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका मिनी और इसके बाद में क्या आपका माइक्रो, तो ये बात कर लेते हैं कि इनकी स्पीड किस क्रम में होती है। तो सबसे फास्ट होता है क्या आपका सुपर कंप्यूटर, इसके बाद होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद में आते हैं मिनी कंप्यूटर और उसके बाद में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर के स्पीड का एक क्रम हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम दिखा देख लेते हैं। चलिए तो ये तो क्या हो गया, हमारी स्पीड के बारे में चर्चा हो गई। आप लोगों को कुछ नोट करना होगा तो यहां से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है एग्जाम में आया हुआ कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की गति का मात्रक नहीं है। क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की गति का मात्रक नहीं है। पहला क्या है, हर्ट्ज। दूसरा क्या है, फ्लॉप्स। तीसरा क्या है, MIPS। और चौथा है बाइट। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि कभी क्या होगा कि मैं आपको प्रश्न हिंदी में लिख के दूंगा लेकिन जो उसके ऑप्शंस होंगे वो इंग्लिश में लिखी हुई होंगी। और मैं आपको वहां बता चुका हूं कि मैं क्यों उनके ऑप्शंस को इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी इस तरह से देखने को मिलेगा और समझने में आपको सहूलियत होने वाली है, भले ही आप हिंदी मीडियम के क्यों ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कंप्यूटर की गति का मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं यहाँ पास, हर्ट्ज। हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम डाटा को इनपुट करवाते हैं और जो डाटा का इनपुट होता है ये क्या है, सपोज ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पास देखिए ये आपका कंप्यूटर है मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर, और इसको आप ले लीजिए क्या आपकी, ये है आपकी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, अभी शब्दों पे मत जाइएगा ना, अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा। आपके हार्ड डिस्क क्या होता है इसका लोड मत लीजिएगा, हम आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया और ये हार्ड डिस्क हो गई। हम कंप्यूटर से क्या करवाते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग करवाते हैं। तो क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, डाटा देते हैं। हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए क्या, डाटा को इनपुट करवाते हैं। ये जो डाटा के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की जाने के लिए जो इसकी जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जिस यूनिट का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हर्ट्ज। यहां पास हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, क्लॉक साइकिल पर सेकेंड। आपसे पूछ ले कि क्लॉक साइकिल पर सेकेंड। अब इसमें आप बोलेंगे सर इसका हिंदी क्या होता है, तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में यदि आप हिंदी में चले गए ना तो आपको याद भी नहीं होने वाला है, डायरेक्टली वो आपको इसी तरह से जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसी का आपको हिंदी लिख के दे देगा वो, क्लॉक साइकिल पर सेकेंड। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर में इनपुट में डाटा फ्लो की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारा जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। उसको हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारे डाटा प्रोसेसिंग के संबंध में है क्या, अर्थात कंप्यूटर की गति से संबंधित है। डाटा प्रोसेसिंग का संबंध किससे होता है, कंप्यूटर की गति से ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर दूसरा आता है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का अर्थ क्या होता है, इसका एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ चुका है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, सबसे पहले तो आपका इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है क्या, ये जो आप सुपर कंप्यूटर देखते हैं ना दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को, जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मिली, ये क्या है, MIPS। इसका भी कई बार आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा,
MIPS का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है, ये होता है मिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या हो गया दोस्तों, MIPS का फुल फॉर्म हो गया मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये भी क्या होता है, ये भी कंप्यूटर के जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है ये भी उसकी गति को मापने की एक क्या है, यूनिट है। तो कंप्यूटर के कंप्यूटर की गति को मापने की यूनिट क्या क्या हो गई, पहला हो गया हर्ट्ज, दूसरा हो गया फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर की गति को मापता है, और तीसरा हो गया आपका MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये तीनों क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की गति को मापने के लिए इन मात्रक का, इन इकाइयों का, इन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। बचा हमारे पास में क्या, बाइट। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको करीबन 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, ठीक है। क्या आता है, बाइट। तो दोस्तों बाइट को यहां पर छाप के लिख लीजिए, बाइट जो होता है ये स्टोरेज की, इसकी डाटा के भंडारण की, स्टोरेज की, इसकी डाटा के भंडारण की क्या होती है, ये बेसिक यूनिट होती है। आपसे पूछ ले कि डाटा के भंडारण की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे सर क्या होती है, बाइट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, आपसे ये पूछ ले एग्जाम में, तो आप बताएंगे सर कितना, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और यदि कभी भी बाइट लिखा जाता है तो जो बी होता है वो कैपिटल में होता है बाइट का, और जब कभी भी बिट्स लिखा जाएगा तो जो उसका फर्स्ट लेटर होगा बी वो स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके क्लास के बीच में लाया। बाकी जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे लास्ट पे, उस पे जो भी एमसीक्यू है उनको सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको बीच में आप लोगों को क्लियर किया, ठीक है। चलिए चलिए इसको फटाक से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पूरी क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा हमारी क्लास में। 1000, 2000, 5000 एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एक बार थ्योरी कर लो उस पे बेस्ड पे 50-100 एमसीक्यू आपने कर लिया, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है हमारा। तो हमने अभी क्या बात करी, हमने अभी कंप्यूटर की स्पीड देखी, सेकेंड नंबर पे हमारे पास में क्या आता है, कंप्यूटर की शुद्धता, क्या, एक्यूरेसी, ठीक है। क्या है, बिना किसी त्रुटि के कार्य करने की क्षमता को कंप्यूटर की क्या कहते हैं, शुद्धता कहते हैं या एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी भी, यदि सब कुछ ठीक है तो कंप्यूटर कभी भी आपका क्या करता है, अशुद्ध, मतलब क्या, इनकरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा वो एक्यूरेसी के साथ में ही आपको रिजल्ट देता है, बशर्ते, बट क्या, यदि त्रुटि हो सकती है तो किन कारणों से हो सकती है, पहला मानवीय भूल, अर्थात जो डाटा का हम इनपुट करवा रहे हैं, यदि हमने डाटा ही गलत दे दिया तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों वो भी गलत ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो क्या कि ह्यूमन एरर, क्या, मानवीय भूल, अर्थात ह्यूमन एरर, क्या आपका ह्यूमन एरर। फिर दूसरा क्या होता है, कंप्यूटर वायरस, ये तो बिल्कुल जी का जंजाल है ना। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा है कि हमारा जितना भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो है सब क्या हो गया, वायरस अटैक हो गया उसके ऊपर में। तो ये क्या है, वायरस, यदि कंप्यूटर में किसी तरह का वायरस आता है तो वो भी आपकी एक्यूरेसी को बिगाड़ देता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, हार्डवेयर का विफल होना, अर्थात हार्डवेयर फेल्यूर, हार्डवेयर फेल्यूर, यदि जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है, भौतिक घटक है, यदि उसी में किसी प्रकार की खराबी आ गई तो फिर वो आपके जो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है उस पर भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा दोस्तों। तो कंप्यूटर हमेशा आप लोग को त्रुटिहीन, बिना किसी गलती के रिजल्ट देता है, लेकिन ये 3 गलतियां यदि कंप्यूटर में होती हैं तो फिर आपके जो उसके परिणाम होंगे वो भी आप लोगों को गलत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग दोस्तों यहाँ पास एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो क्या है, आपसे पूछता है परीक्षा में कि GIGO, आपसे पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, GIGO का आपसे पूछ लेगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये GIGO क्या है, इसको हम बोलते हैं गार्बेज, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। व्यापम में, पटवारी एग्जाम वगैरह में, संयुक्त भर्ती में, फूड इंस्पेक्टर वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है, ठीक है। तो
इसका गीगो का GIGO का फुल फॉर्म क्या हो गया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या होता है कि अशुद्ध क्या आपका अशुद्ध इनपुट या आप बोलेंगे क्या अशुद्ध डाटा जो आप कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं यदि वही अशुद्ध है तो आपको क्या मिलेगा अशुद्ध परिणाम। जो आपको मैंने भी स्टार्टिंग में बताया यदि कंप्यूटर में किसी प्रकार की मानवीय भूल होती है गलती होती है ह्यूमन एरर होता है तो आपको कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी में फर्क पड़ जाएगा वही इसका मतलब है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट अर्थात अशुद्ध डाटा को आप इनपुट करवाओगे तो जो आपको परिणाम मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा आप लोगों को अशुद्ध ही मिलेगा। ठीक है अब परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से गीगो GIGO का तात्पर्य है शुद्धता से गति से कंप्यूटर की क्या बोलते हैं परिश्रमशीलता से या मतलब इनमें से कोई नहीं तो आप क्या टिक मारेंगे जो गीगो का संबंध है वो किससे है कंप्यूटर की शुद्धता से संबंधित है ये। ठीक है तो हमने क्या देखा अब सेकंड नंबर की जो हमारी कंप्यूटर की विशेषता थी हमने उसको कवर कर लिया। चलिए ठीक है इसको फटाफट नोट करिए बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी विशेषता की ओर। चलिए भाई अब कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे बात हो गई अब आते हैं क्या कंप्यूटर की भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे मोबाइल में क्या रहता है कंप्यूटर में स्पेस नहीं है तो जो हमारा जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं कि जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत विशाल होती है वेरी लार्ज। तो क्या विशाल भंडारण क्षमता कंप्यूटर की विशेषताओं की बात हो रही है और कंप्यूटर में जो भंडारण क्षमता होती है वो कैसी होती है अत्यधिक अधिक होती है बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होती है कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता होती है वो कैसी होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है इसके बाद में अभी मैंने आपको जो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वहां मैंने बताया था कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है बाइट ये आपको मैंने बताया था। इसके बाद में आपसे क्या करता है हालांकि ये आगे जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो उसका पोर्शन है फिर भी मैं आप लोग यहां बता रहा हूं ताकि आगे जब पढ़ेंगे तो वो आपका रिवाइज हो जाए दोस्तों। तो यहां समझिएगा पूछता है कि स्टोरेज यूनिट्स जो होती हैं आपकी उनको आप क्रम से जमाइए तो सबसे पहले क्या आता है बिट सबसे छोटी इकाई है छोटी से हम बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है बिट के बाद में क्या आता है आपका बाइट क्या आता है बिट के बाद में बाइट इसके बाद में क्या आता है किलोबाइट। ठीक है इसके बाद में क्या आता है आपका मेगाबाइट मेगाबाइट के बाद में क्या आता है दोस्तों आपका टेराबाइट सॉरी गीगाबाइट क्या आएगा आपका मेगाबाइट के बाद में क्या आएगा आपका गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद में क्या आता है टेराबाइट और टेराबाइट के बाद में क्या आता है आपका पिकोबाइट। अभी मैंने आपको बिल्कुल ओवरव्यू दिया है जब हम मेमोरी वाला यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट नंबर सिस्टम में भी ये आता है। कंप्यूटर के अंतर्गत जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर के पहले में एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों पर अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है बहुत ही बड़ी विशाल होती है लार्ज कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर की जो स्टोरेज की जो बेसिक इकाई होती है मूलभूत इकाई होती है उसे हम कहते हैं बाइट। इसके बाद में आप देखिए कि बिट सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन मूलभूत इकाई क्या होती है बाइट होती है लेकिन सबसे छोटी क्या होती है बिट। ठीक है इसके बाद में बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट और पिकोबाइट। ठीक है दोस्तों तो ये क्या हो गया कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत हमने कंप्यूटर की भंडारण क्षमता के बारे में जाना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों मजा आ रहा है ना पढ़ने में बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से लोग पढ़ रहे हैं है ना। इसी तरीके से पूरा हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है सारा कुछ बस आप लोगों को लगातार क्लास के सामने बने रहना है बाकी आप छात्रावास जो परीक्षा है उसको निकालने की चिंता छोड़ दीजिए कंप्यूटर का पोर्शन तो आप भूल जाओ बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है सब कवर कराऊंगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों चलिए फिर इसके बाद में क्या आता है स्वचालन ऑटोमेशन पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर कार्य करना क्या पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर कार्य करना एक बार निर्देश देने के बाद मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि हमने कंप्यूटर को एक बार जो काम करने के लिए निर्देश दे दिया उसके बाद में हमको बार बार उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कॉफी मशीन देखी होगी ना कॉफी मशीन में क्या है आपने बटन दबाई फिर आपको कुछ करना पड़ता है क्या कि दूध डालो शक्कर डालो कुछ नहीं बटन दबाई और नीचे क्या आपको कॉफी रेडी और वही यदि आप घर में कॉफी बनाओ
गैस चालू करोगे, बार बार हिलाओगे, कॉफी डालोगे, तो कंप्यूटर का क्या फायदा है कि एक बार आपने कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, कुछ निर्देश दे दिए, वो आपको काम करके देगा, बार बार आपको उसमें किसी प्रकार का इंटरप्ट या हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ऑटोमेशन क्वालिटी, स्वचालित। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया आपका ऑटोमेशन। अब देखते हैं और क्या है, विविधता। ये वर्सेटिलिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से उपयोगिता। इसको हम और भी कहते हैं कंप्यूटर की क्या होती है, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, यदि आपसे कोई कह दे कि भैया खाना खाते समय गाना गाओ, गाना और साथ में आप बात भी करते रहो, गाना भी गाओ, तो आप एक काम एक समय पे कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर एक समय पे अनेक काम कर सकता है। करते ही आप लैपटॉप पे, एक तरफ गाना भी चलते रहता है, दूसरी तरफ आप एमएस वर्ड में काम भी कर रहे होते हो, साथ में फेसबुक भी खोल लेते हो, गूगल भी खोल लेते हो, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, विविधता। कंप्यूटर क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से काम कर सकता है। जिस तरह से मेडिकल क्षेत्र में काम करेगा, ठीक उसी तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम करेगा, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में काम करेगा वैसे समुद्र विज्ञान में काम करेगा। हर क्षेत्र में कंप्यूटर की समान उपयोगिता है दोस्तों, कहीं भी कंप्यूटर का ऐसा नहीं कि उपयोगिता कम हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, कंप्यूटर की विविधता होती है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं, विशेषता के अंतर्गत विश्वसनीयता। ये सबसे बड़ी जो है हमारे सामने, जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं तो ये क्या रहता है, हमारे सामने फैक्टर रहता है कि जिस भी चीज को हम यूज कर रहे हैं, जिस भी इक्विपमेंट को, डिवाइस को यूज कर रहे हैं, वो रिलायबल है कि नहीं है। बोलते हैं ना यार कि अगला आदमी जो है जिसे दोस्ती कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं है। रिलायबल का मतलब क्या होता है, परिणामों में एक रूपता और क्या, समय के साथ अपरिवर्तित। बोलते हैं ना, सपोज आप किसी दुकान में गए, उसने आपको किसी दुकान में आप पनीर खरीदने गए, उसने आपको एक बार बहुत बढ़िया पनीर दिया, दूसरी बार गए, दूसरी बार भी अच्छा पनीर दिया, तो आप लोग क्या बोलते हैं, यार वो दुकान वाला बहुत रिलायबल आदमी है, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अर्थात हर बार वो आपको समान चीज देता है, किसी प्रकार का उसमें क्या वो बदलाव नहीं करता है। तो कंप्यूटर से भी आप एक बार कोई काम करवाइए, चाहे एक लाखवें बार करवाइए, वो आपको अपने परिणामों में किसी प्रकार का परिवर्तन शो नहीं करेगा। तो ये क्या है, कंप्यूटर की रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर की विश्वसनीयता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर की रिलायबिलिटी। अभी क्या है, पारिश्रमिकता। कंप्यूटर बिना थके बिना रुके घंटों तक लगातार काम कर सकता है। दोस्तों कंप्यूटर की ये क्या है, एक विशेषता है, घंटों तक लगातार कार्य करने की कंप्यूटर के अंदर क्या क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर की क्या, डेलिजेंस, है ना। क्या हो गया, कई बार क्या करता है आपको हिंदी ना देके क्या पूछ देगा, आपको इंग्लिश में पूछ लेता है कि डेलिजेंस, कंप्यूटर में डेलिजेंस का मतलब क्या होता है। तो डेलिजेंस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, डेलिजेंस याद रखना कि ओविलेंस, क्या ओविलेंस, अर्थात बहुत ही आज्ञाकारी होता है, लगातार तक काम घंटों तक वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर का डेलिजेंस। अब देखते हैं आगे और क्या है, कंप्यूटर की सीमाएं। देखिए हर व्यक्ति के अंदर यदि लाखों विशेषता हो तो उसके अंदर कुछ छोटी मोटी कमियां भी होती हैं, है ना। तो देखते हैं कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई, तो बुद्धिमता, मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ाया है और इस पे बहुत जोर दिया है कि कंप्यूटर एक ऐसा काम है जो नहीं कर सकता, वो क्या है, बुद्धिमता, अर्थात इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं होती है, वो खुद से कोई काम को नहीं कर सकता जब तक कि उसको किसी प्रकार का कार्य करने के लिए निर्देश ना दिया गया हो। जितना कंप्यूटर को निर्देश दिया जाएगा, कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम करता है, अपने मन से वो कुछ भी नहीं करेगा, ना आज करता है ना आने वाले समय में करेगा। आप कहेंगे सर एआई करता है, एआई भी क्या होता है, पूरी रूप से प्रोग्राम्ड होता है, जितना उसको प्रोग्राम्ड दिया गया है वो उतना ही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर की पहली सीमा क्या हो गई कि बुद्धिमता, अर्थात कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता, है ना, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता, अर्थात कंप्यूटर के अंदर जो आईक्यू लेवल होता है वो कैसा होता है, 0% होता है, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में क्या है, वायरस का खतरा, कंप्यूटर के ऊपर हमेशा वायरस का खतरा बने रहता है। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। यदि कंप्यूटर, यदि हम कुछ काम कर रहे हैं और आपकी बिजली ही गुल हो गई तो फिर क्या कर लोगे आप, तो ये बहुत बड़ी जो लिमिटेशन है कंप्यूटर की, क्या, बुद्धिमता, वायरस का खतरा और इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये थी क्या आपकी कंप्यूटर की विशेषताएं।
एक एक विशेषता को हमने बहुत डिटेल में समझा, कहां से आपके एग्जाम में इस पर एक एक विशेषताओं पर प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दी है दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है विशेषकर विशेषताओं से, ठीक है भाई। तो चलो ये हो गया हमारा क्या कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की सीमाएं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लें। अब आता है क्या हमारा सेकंड टॉपिक, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास क्रम, ठीक है। कि जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, ठीक है ना, पहले आदि मानव, फिर कुछ चक्का चला, आग लगाना सीखा, चक्का चलाना सीखा, धीरे धीरे करते करते तो आज बवाल काट रहे हैं, ठीक। उसी तरह से कंप्यूटर भी क्या है, अपनी विकास क्रम की यात्रा किया है। तो आइए उसके विकास क्रम की यात्रा को समझते हैं दोस्तों। और ये जो टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यहां से आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आना ही है इसको प्रश्न को यहां से, ठीक है। और सारे प्रश्न मैंने अपने इस वीडियो में कवर करवाए हैं दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, देखिए अबेकस। अबेकस क्या है, ये क्वेश्चन को आपके व्यापार में रिसेंटली 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र, वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस, वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसको कहां बनाया गया था, तो इसको चीन में बनाया गया था। आपके 2022 के पटवारी एग्जाम में पूछा है कि वर्ड अवेकस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वर्ड अवेकस शब्द की उत्पत्ति हुई है अवेक्स, किससे हुई है अवेक्स। और ये जो अवेक्स है, AVEX, ये जो अवेक्स है ये किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे सर जो अवेक्स है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र क्या हो गया, अवेकस, चीन में बनाया गया था। दिखने में कैसा रहता है, ज्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ इस तरह से रहता है। उसमें छोटी छोटी क्या रहती है, ऐसी लकड़ी की क्या रहती थी, बटन्स, गोल चक्री होती थी। तो इससे हम क्या करते थे, अवेकस में हम सिर्फ दो ही काम कर सकते थे, या तो हम चीजों को अवेकस के माध्यम से हम केवल दो ही काम कर सकते थे, या तो हम चीजों को जोड़ सकते थे और या तो क्या कर सकते थे, चीजों को, संख्याओं को घटाओ, जोड़ या घटाओ करने तक ही केवल सीमित था, हम इसमें गुणा और भाग नहीं कर सकते थे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, नेपियर बोन्स। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था जॉन नेपियर ने। अब देखिए यहां पर शब्द से ही मालूम पड़ रहा है क्या, बोन्स, बोन्स अर्थात क्या, हड्डी। तो ये हड्डी से बना, ये क्या आपके हड्डी से बना एक यंत्र था, जानवरों की हड्डी से बना एक यंत्र था, जिसमें जीरो से लेकर नौ तक की संख्याओं का क्या किया गया था, इसमें प्रयोग किया गया था। नेपियर बोन्स ये एक उपकरण है, ये एक डिवाइस का नाम है, जिसको जॉन नेपियर ने बनाया था। बोन्स से हमको क्या मालूम पड़ता है, हड्डी, ये हड्डी से बना एक गणना यंत्र था जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों ये क्या काम करता था, ये गुणा और भाग, ये गुणा और भाग। तो आपसे पूछ ले कि गुणा और भाग के लिए सबसे पहली कौन सा डिवाइस था, तो आप बताएंगे सर नेपियर बोन्स, ये गुणा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के लिए सबसे पहले नेपियर बोन्स नाम की युक्ति का, डिवाइस का क्या प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, क्या आपका अवेकस हो गया और आपका नेपियर बोन्स हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसके बाद में, ठीक। ये हो गया क्या आपका अवेकस और नेपियर बोन्स। अब आगे आता है हमारा क्या, पास्कलाइन, ठीक है। पास्कलाइन क्या है ये देखेंगे, और क्या है लेविनिस, पास्कलाइन, और क्या आपका लेविनिस कैलकुलेटर। तो दोस्तों पास्कलाइन, पास्कलाइन एक डिवाइस है जिसको किसने बनाया था, ब्लेज, ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल, ठीक है। और क्या है इसमें आपका, हाँ पास्कलाइन। एग्जाम में क्या पूछता है कि पास्कलाइन विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो आप क्या बताएंगे सर, पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है कि विश्व का पहला यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल
क्या आपका कैलकुलेटर। विश्व का पहला यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या था आपका? पास्कलाइन। ठीक है, इसके बाद में क्या आपका लेविनिस कैलकुलेटर। ये जो आप वर्तमान में आज की डेट पे एक डिवाइस देखते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? इसी को हम कहते थे क्या, लेविनिस कैलकुलेटर। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? ग्रोफाइड, एक वैज्ञानिक थे जिसने इसको बनाया था। किसने? ग्रोफाइड नाम के व्यक्ति ने क्या बनाया था? लेविनिस कैलकुलेटर। आज तक ये क्वेश्चन पूछे नहीं गया है, पर दोस्तों हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या लेविनिस कैलकुलेटर अर्थात क्या वर्तमान का स्पीडोमीटर, और इसको किसने बनाया था? उन वैज्ञानिक का नाम था क्या था? ग्रोफाइड। ठीक है, और आपका पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन को बनाया था ब्लेज पास्कल ने। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर, वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इज पास्कलाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब और क्या है आगे। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है और कई बार पूछा गया है। जो डिफरेंस इंजन है और एनालिटिकल इंजन है दोस्तों, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। नाम से आप लोग सबको जानते होंगे चार्ल्स बेबेज, जिनको हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं? पिता, जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले क्या बनाया था? ये डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और ये 1822 में, मैं यहां पास डेट लिख रहा हूं लेकिन आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में डेट नहीं पूछता है। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, तो क्या? चार्ल्स बेबेज। और यहां पास में जो इंजन शब्द का यूज किया गया है दोस्तों, वो इसलिए किया गया है यहां पास में, ये किसके द्वारा संचालित थे? ये भाप, ये जो थे ये भाप द्वारा संचालित थे, भाप द्वारा संचालित थे। इसीलिए इसको क्या, बेसिकली क्या था? ये एक कंप्यूटर था, लेकिन इसको डिफरेंस इंजन नाम इसलिए दिया गया दोस्तों क्योंकि ये भाप द्वारा संचालित था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसकी सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये थी कि ये आपके 20 अंकों तक, दशमलव के 20 अंकों तक क्या, दशमलव के 20 अंकों तक ये गणना करने में क्या था? सक्षम था, गणना करने में सक्षम था। क्या आपका? डिफरेंस इंजन। किसने बनाया था? इसको बनाया था आपके चार्ल्स बेबेज ने, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज। 1822 में इन्होंने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन। बेसिकली ये क्या था? एक कंप्यूटर था, और ये जो कंप्यूटर थे हमारे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये साइज में 3-3, 4-4 कमरों के बराबर थे। इतने बड़े थे ये साइज में कि कितने, 3-3 हमारे घर में जो 10x10 से कमरे होते हैं ना, ऐसे 4-5 कमरों समा जाए इसके अंदर, इतना बड़ा ये हमारा कंप्यूटर था। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? एनालिटिकल इंजन। इसको किसने बनाया था दोस्तों? तो इसको भी चार्ल्स बेबेज द्वारा, इसके द्वारा चार्ल्स बेबेज, इसको भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और एनालिटिकल इंजन के लिए आपको ईयर पूछ लेता है, तो मैं आपको बताता हूं 1833 में इसका आप लोगों से ईयर पूछ सकता है, 1833। ठीक है दोस्तों, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा 1833 में। और यहां से एक प्रश्न बनता है आपसे, एग्जाम में पूछ लेता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज। और यदि आपसे पूछ ले कि हु इज द मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कौन है? कंप्यूटर के पितामह तो क्या हो गए? चार्ल्स बेबेज हो गए, पर आधुनिक कंप्यूटर के पितामह आप किसको बताएंगे? तो दोस्तों सुनिएगा कि जो ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि इसने जो आज वर्तमान में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, तो ये आधुनिक कंप्यूटर जो आज वर्तमान में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अर्थात आधुनिक कंप्यूटर की क्या रखी थी? आधार। आधुनिक कंप्यूटर का ये आधार, ये जो आपका एनालिटिकल इंजन है दोस्तों, ये जो वर्तमान में आज हम आधुनिक युग में जिस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो उसका बेस था। क्यों? ये आधुनिक कंप्यूटर का आधार क्यों था?
पहली बार क्या किया गया था, मैंने आपको बताया ना कि जो आपका डिफरेंस इंजन था ये आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन उसके आकार में कमी ला करके उसको छोटा करके पहली बार चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था कि इनपुट यूनिट, क्या आपका इनपुट और आपका क्या आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट और एक इकाई और थी मिल, मिल इसको ज्यादा आपको विशेष समझने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूं कि इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट और मिल। तो क्या किया था, पहली बार चार्ल्स बेबेज ने इनपुट यूनिट की एक अलग इकाई बनाई थी, स्टोर आउटपुट के लिए एक अलग इकाई बनाई थी और एक इकाई थी मिल, है ना। ये क्या था, बेसिकली आपका प्रोसेसर हुआ करता था। तो पहले क्या था, एक बड़ा सा बहुत बड़ी मशीन थी, सारा काम उसी में बैठ के करते थे। फिर क्या किया गया, उसके आकार को छोटा किया गया और आकार को छोटा करने के बाद में पहली बार एक इनपुट यूनिट अलग से बनाई गई, एक आउटपुट यूनिट बनाई गई। इसीलिए इसको आधुनिक युग का कंप्यूटर का आधार माना गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को न केवल फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं बल्कि मॉडर्न कंप्यूटर के भी तो क्या फादर कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का भी चार्ल्स बेबेज को पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों आपके जो चार्ल्स बेबेज हैं कहाँ गए, चार्ल्स बेबेज आपके, ये आपके चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो है आपके, ये क्या है, कंप्यूटर के, कंप्यूटर के क्या है, कंप्यूटर के तो पिता है ही है, फादर ऑफ कंप्यूटर तो है ही है, साथ में क्या है आधुनिक कंप्यूटर के भी क्या होंगे, आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर के भी क्या होंगे, ये पिता होंगे, याद रख लीजिएगा। तो क्या हो गया, हमने पढ़ लिया डिफरेंस इंजन और क्या आपका एनालिटिकल इंजन। चलिए इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। फिर ठीक है भाई, अब देखते हैं कि विकास, कंप्यूटर के विकास क्रम में हम आगे कहां बढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारे पास में क्या आपका टेबुलेटिंग मशीन। देखिए 1890 का समय था और 1890 का समय आपको याद होगा कि जनगणना, यदि आप जब जीएस पढ़ते हैं तो 1890 में क्या जनगणना की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो 1890 की जो जनगणना हुई थी तो उस जनगणना में एक मशीन का यूज किया गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलेटिंग मशीन। और उन वैज्ञानिक का नाम क्या था जिन्होंने इस जनगणना में इस टेबुलेटिंग मशीन को बना के इसका प्रयोग किया था, उनका नाम था हरमन, हरमन होलरिथ, हरमन होलरिथ। तो टेबुलेटिंग मशीन के जनक कौन थे, हरमन होलरिथ। 1890 में इसका जनगणना में, 1890 की जनगणना में इसका क्या किया गया था, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था दोस्तों। और इस टेबुलेटिंग मशीन में एक इनपुट, डाटा को इनपुट कराने के लिए, डाटा को इनपुट, डाटा को इनपुट कराने के लिए जिस डिवाइस का, जिस युक्ति का प्रयोग किया गया था उसको हम क्या बोलते हैं, पंचकार्ड, क्या बोलते हैं, पंचकार्ड। तो पहली बार पंचकार्ड का उपयोग कहां किया गया था, टेबुलेटिंग मशीन में किया गया था। इसलिए किया गया था एज ए इनपुट डिवाइस, पहली बार टेबुलेटिंग मशीन में पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका मार्क वन, मार्क वन, मार्क वन से रिसेंट हमारे टीईटी के एग्जाम में प्रश्न हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्या है आपका फर्स्ट मार्क वन, आपने कंपनी का नाम तो सुना होगा आईबीएम, सुना होगा कंपनी का नाम आईबीएम। एग्जाम में पूछता है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों ये जो आपका मार्क वन है ना, ये फर्स्ट क्या है, ये पहला क्या है, विद्युत, विद्युत यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। अर्थात फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल, मतलब अभी तक जो आप कंप्यूटर देख रहे थे वो पूर्ण रूप से क्या थे, मैकेनिकल थे। ये जो आपका मार्क वन है जिसको किसने बनाया है, जिसको आईबीएम नाम की कंपनी ने बनाया है, जिसको आईबीएम नाम की कंपनी ने बनाया है। तो ये उस कंप्यूटर का नाम क्या है, मार्क वन, जिसको आईबीएम नाम की कंपनी ने बनाया है। ये क्या है, पहला विद्युत यांत्रिक अर्थात इलेक्ट्रो मैकेनिकल, पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या है, मार्क वन। एग्जाम में रिसेंटली टीईटी एग्जाम या कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या बोलते हैं, पहला विद्युत यांत्रिक जो आपका कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे मार्क वन।
किसने बनाया था, तो आप बताएंगे IBM द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्या टेबलेटिंग मशीन, और हमारा क्या हो गया मार्क वन। और कुछ बचता है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टेबलेटिंग मशीन और मार्क वन। आइए भाई और देखते हैं आगे क्या है। अब आता है आपका डिजिटल युग। अभी तक हमने क्या देखा था, सारे जो कंप्यूटर पढ़ रहे थे मैकेनिकल पढ़ रहे थे, और लास्ट आपने क्या देखा था मार्क वन। मार्क वन क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, पहली बार साथ में मैकेनिकल के साथ में विद्युत का भी प्रयोग किया गया था। तो वो क्या हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को आप बताएंगे मार्क वन, IBM द्वारा इसको बनाया गया था। अब एक नया युग आ रहा है, वो क्या आ रहा है डिजिटल युग। ठीक है, इस डिजिटल युग में अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था आपका मैकेनिकल युग। इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल युग में, और डिजिटल युग में सबसे पहला हमारे सामने क्या आता है ENIAC। ENIAC को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आपसे पूछ ले कि ENIAC को किसने बनाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा क्या है, JP एकट और जॉन मुशली। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं एकट, शॉर्ट में बता रहा हूं एकट एंड मुशली, JP एकट एंड मुशली। तो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा एकट एंड मुशली। क्या बनाया था, ENIAC बनाया था इलेक्ट्रॉनिक, इसका ENIAC का फुल फॉर्म पूछता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC किसने बनाया था, JP एकट एंड आपका मुशली ने बनाया था। जनरली इसमें आपसे सन नहीं पूछेगा, फिर भी आपसे यदि सन पूछता है तो ये जो सन है आपका हो जाएगा 1944 के आसपास इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहां से देखिए ENIAC से ना आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला तो क्या पूछ लेगा आपको कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे ENIAC का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके बाद में इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों का नाम आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, JP एकट एंड जॉन मुशली। ठीक है, इसके बाद में यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछता है कि दुनिया का या विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। पहला क्या, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। क्या, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ENIAC है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं डिजिटल युग, और डिजिटल युग में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना है, ENIAC बना है, इसीलिए इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक पूर्णतः कंप्लीट, पहला पूर्णतः कंप्लीट पूर्ण रूप से पूर्णतः क्या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा, ENIAC होगा। ENIAC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। किसने बनाया था, JP एकट ने और मुशली ने बनाया था। इसके बाद में आइए आप लोग क्या ABC, इसको हम क्या बोलते हैं, ABC का फुल फॉर्म होता है एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्या, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। कई बार एग्जाम में क्या होता है, या आप गूगल में सर्च करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो आपको कई बार क्या दिखाएगा, अधिकतर तो आपको ENIAC दिखाएगा, लेकिन कई बार क्या करता है आपको ABC दिखाता है। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो कई बार क्या बोलता है कि दुनिया का पहला जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या है, ABC है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कभी भी यदि प्रश्न पूछ लेता है कि दुनिया का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आपको आंसर में क्या लेना है, ENIAC को ही लेना है, व्यापम में ENIAC को ही आंसर लिया है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए साथ में मैंने यहां पास आपको ABC लिख दिया है। लेकिन आप कभी पूछ लेता है कि दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर या पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ENIAC होता है। ठीक है, और देखिए आगे, अब आता है आपका EDSEC। आपसे पूछ लेता है कि EDSEC का आप फुल फॉर्म बताइए, EDSEC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो दोस्तों देखिए EDSEC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आपसे इससे जो प्रश्न बनेगा दोस्तों, तो वो क्या बनेगा कि आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहली बार प्रोग्राम को स्टोर किया गया था भंडारण, तो फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट क्या वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो वो दोस्तों क्या होगा आपका एटसेक। एटसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, क्या होगा आपका एटसेक। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं एडवेक में। ये एग्जाम की दृष्टि से आपका इनियाक, एडवेक और यूनिवेक, ये जो तीन कंप्यूटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम एडवेक में। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ लेता है कि एडवेक का फुल फॉर्म बताइए। तो एडवेक का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, डी से क्या होगा डिस्क्रीट, एडसेक में डी से क्या था डिले था, यहां याद रखिएगा एडसेक में डी से डिले था, लेकिन एडवेक में क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि एडवेक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एडवेक का फुल फॉर्म ये हो गया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वैज्ञानिक का नाम पूछेगा कि इसको आपसे वैज्ञानिक का नाम पूछेगा कि इसको बनाया किसने है, तो आप क्या बताएंगे वैज्ञानिक, एडवेक को किसने बनाया है दोस्तों। तो जो एडवेक है इसको बनाया था हमारे बहुत ही कंप्यूटर के, ये भी एक प्रकार से पितामह कहा जाते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन। कौन? जॉन वॉन न्यूमैन, न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। तो एडवेक को किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। और आपसे एग्जाम में पूछ ले यदि कि पहली बार किस कंप्यूटर में बाइनरी पद्धति का प्रयोग किया गया था, बाइनरी अर्थात जीरो और वन, तो फर्स्ट टाइम था जॉन वॉन न्यूमैन ने फर्स्ट टाइम बाइनरी कंप्यूटर में बाइनरी अर्थात जीरो और एक बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया था। दोस्तों पूछता है ना कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा को समझ सकता है या कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा पे कार्य करता है, वो होती है मशीन भाषा। आगे के चैप्टर में हम क्लियर करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि मशीन भाषा, और मशीन भाषा का अर्थ क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल दो ही तरह की चीजों को समझ सकता है, या तो जीरो को या वन को। सारी की सारी जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है मशीन लैंग्वेज में होती है, और वो किसमें होती है केवल जीरो और वन में होती है। ठीक है, जीरो वन, वन जीरो, जीरो वन, वन जीरो, कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं दो चीजों को समझ सकता है। तो क्या हो गया आपका एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बनाया किसने था, वैज्ञानिक का नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, और इसके बाद में पहली बार इसमें क्या प्रयोग किया गया था, तो बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया था, जीरो और वन का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और इसके बाद में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि एडसेक में क्या किया गया था, स्टोर्ड प्रोग्राम। एडसेक क्या है आपका कि पहली बार वो कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा थी। क्या? पहली बार ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया गया था। लेकिन दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टोर्ड प्रोग्राम की जो कॉन्सेप्ट था ना, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का इसकी जो अवधारणा दी थी कि स्टोर्ड प्रोग्राम होता क्या है एक्चुअल में, जो बताया था पहली बार वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया था। और एडसेक में क्या किया गया था, एडसेक में पहली बार इसका उपयोग किया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, फादर ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, तो आप क्या लिखेंगे, जॉन वॉन न्यूमैन। पहली बार ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम को यूज किया गया था, तो वो क्या होगा एडसेक होगा। ठीक है, कंफ्यूज एग्जाम में मत होना। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। इन्हें फादर ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कहा जाता है। पहली बार किस कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम का यूज किया गया था, तो आप आंसर टिक करके आएंगे एडसेक। ठीक है, यहां पर डी का अर्थ क्या होता है डिले, और यूनिवेक में डी का अर्थ है ना, ये एडवेक में डी का अर्थ क्या होता है डिस्क्रीट। ठीक है, एग्जाम में गलत करके मत आना। तो चलिए ये क्या हो गया हमारे एडसेक हो गया, और ये क्या हो गया यूनिवेक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब तक।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या आता है आपका, अब आता है आपका यूनिवेक, यूनिवेक ठीक है। यूनिवेक का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां जो UNIV, यहां तक का जो अर्थ है आपका, यहां तक का जो आपका अर्थ हो जाएगा UNIV, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल, ए से हो जाएगा ऑटोमेटिक और सी से हो जाएगा कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है। अब इसका आपको एग्जाम में डेट पूछ सकता है कि यूनिवेक कब बनाया गया था, तो मैं आपको बता दूं 1951 ठीक है। इसको इसकी आपको डेट याद रख लोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है कि आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन को टफ करना चाहे तो इसकी डेट पूछ ले आपसे। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है। अब इसको बनाया किसने था, तो दोस्तों बताइए मेरे को, जॉन जेपी एकट, जेपी एकट और मॉशली ने, जेपी एकट और मॉशली ने क्या बनाया था दोस्तों, जेपी एकट और मॉशली ने इनियाक को बनाया था, और जिस जिन वैज्ञानिकों ने इनियाक को बनाया था उन्हीं वैज्ञानिकों ने किसको, यूनी को, किसको बनाया था आपका, यूनिवेक को बनाया था। तो क्या हो जाएगा, जेपी एकट एंड जॉन मॉशली है ना। अब इनके क्या रहता है भाई, इनके नामों में भी ना बड़ा खतरनाक रहता है, मॉचली है कि मौसले है कि मौसले है, लेकिन याद करने के लिए याद रखना कि क्या रखना, मॉचली याद रखना, जो भी आपको याद हो, लेकिन मॉचली या मौसले में आप उनको कंफ्यूज मत होना। तो क्या, जेपी एकट और जॉन मॉचले ठीक है भाई। तो किसको बनाया था, यूनिवेक को बनाया था। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, वैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है, पर सबसे अधिक क्या पूछता है कि विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, क्या आपका जनरल पर्पस विश्व का पहला जनरल पर्पस सामान्य प्रयोग के लिए विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या था, तो आप कहोगे सर यूनिवेक पहला कंप्यूटर था जिसको सामान्य प्रयोग के लिए क्या किया गया, उपयोग किया गया। और क्या पूछ लेता है, वाणिज्यिक अर्थात कमर्शियल पर्पस से क्या होगा आपका, क्या विश्व का पहला कंप्यूटर जो वाणिज्यिक पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से, या आप क्या कह सकते हो इसको, और साधारण भाषा में जाओगे तो क्या कह सकते हो, बिजनेस। तो विश्व का पहला कंप्यूटर जो सामान्य प्रयोग के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए, कमर्शियल प्रयोग के लिए, या हम कहें तो क्या बिजनेस प्रयोग के लिए, कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, उसका नाम क्या है, यूनिवेक। यूनिवेक को किसने बनाया था, जेपी एकट और जॉन मॉशली ने बनाया था। किस सन में बनाया था, 1951 में बनाया था। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एप्पल टू ठीक है। एप्पल टू कंप्यूटर की बात हो और एप्पल का नाम ना आए, है ना, तो जिनके पास में एप्पल मोबाइल या एप्पल का वो मैकबुक है बुरा मान जाए। तो दोस्तों चलिए हमारे विकास क्रम की यात्रा में अंतिम हम पढ़ते हैं एप्पल टू क्या है आपका, 1977 है ना, 1977 में। देखिए यहां पास मैं आपको जितने भी ईयर बता रहा हूं, सन बता रहा हूं ना, याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, याद रख लेते हो तो इनियाक का, एडवेक का और यूनिवेक का, आप लोग बस खाली तीन का याद रख लेना, बाकी किसी का आप लोगों को सन को याद करने की जरूरत नहीं है और ना याद करना संभव है, ठीक है भाई। तो मार्क टू 1977 में, और मार्क टू की खासियत क्या है दोस्तों, ये पहला बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर था, फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जब मैं आपको स्पीड पढ़ा रहा था, तो आज वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं, आज वर्तमान में जिन कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, जो आपका एप्पल टू था, ये क्या था, वर्ल्ड फर्स्ट क्या आपका माइक्रो कंप्यूटर। इस प्रकार से
जो आपके सिलेबस का पोर्शन है कंप्यूटर के इतिहास का, हमने एप्पल टू तक कवर किया। अधिकतर आप बुक में जाएंगे तो जो मैंने आप कुछ कुछ बीच में बताया वो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छांटा देखा तो जितना कुछ भी मेरे को बना, ताकि आप लोगों को बार बार अलग अलग बुक को ना पढ़ना पड़े, तो सारा कुछ मैंने अपने दोस्तों वीडियो में कवर किया। तो इतिहास कंप्यूटर के हिस्ट्री से जितना कुछ भी था सब कुछ मैंने आपको डिटेल में यहाँ बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट करिए। आप देखते हैं जो आज हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है भाई, आओ क्या बोल रहा है, वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर, ये आपके व्यापम टीईटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी बताइए, वाणिज्यिक उपयोग में अर्थात कमर्शियल, अर्थात बिजनेस पर्पस से पहली बार कंप्यूटर जो यूज किया गया उसका नाम क्या था, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये आपकी टीईटी एग्जाम 2022 में आया था। चलिए और देखिए क्वेश्चन क्या है, आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, जब भी व्यापम में बेसिक वाले पोर्शन से जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी कंप्यूटर का, यहां जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन को कठिन करने के लिए क्या करेगा, वो आपके क्वेश्चन की भाषा में खेल करेगा आपके साथ में, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ठीक जैसा पूछा है वैसे मैंने यहाँ पास आपको लिख के दिया है, आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर अर्थात ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की बात कर रहा है, आईबीएम द्वारा बनाया गया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और अभी हमने क्या देखा था उसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि आईबीएम कंपनी द्वारा किसको बनाया गया था, मार्क वन को। क्या है ये, IBM द्वारा बनाया गया क्या है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं ये कब आया आपका, ये आपके व्यापम की SDAG संयुक्त भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या है इसके बाद में आपका, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके RI 2017 में पूछा गया है, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। और मैंने आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज के जो एनालिटिकल इंजन था उसमें एक लेडीज थी जो आपकी कंप्यूटर साइंस वैज्ञानिक थी, उनका नाम क्या था, लेडी अगस्ता एडा, लेडी अगस्ता एडा। तो लेडी अगस्ता एडा ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में पहली बार क्या किया गया था, प्रोग्राम को स्टोर किया था, प्रोग्राम को डेवलप करके उस एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्राम का उपयोग किया था, बहुत ही कम मात्रा छोटे छोटे स्तर पर था लेकिन फर्स्ट टाइम यूज किया था, इसीलिए कंप्यूटर पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो लेडी अगस्ता को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेडी अगस्ता जानी जाती हैं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये क्या हो गई, लेडी अगस्ता। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेडी अगस्ता अर्थात क्या, फर्स्ट पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर या फर्स्ट पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, महिला में हो या ओवरऑल में पूछ ले तो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर अर्थात लेडी अगस्ता एडा। चलिए भाई, तो ये रहा आपका आज की क्लास जिसमें आपने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी और क्या देखा, कंप्यूटर का इतिहास देखा। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा कुछ मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कमी मत करना। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरा आप लोगों ने वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, अपना समय निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।